नमस्कार साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम बात करेंगे जनवरी माह के संपूर्ण दिवस के बारे में। ठीक है, कौन कौन से दिवस जनवरी माह में आते हैं और अपन दिनांक वाइज बात करेंगे और उनके अंतर्गत कौन कौन से दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं जनवरी माह के दिवस। तो जनवरी माह के दिवस की बात करेंगे आज। ठीक है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, जबकि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो परिवारजन 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। ठीक है, विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, 11 जनवरी को कौन सा दिवस है तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। फिर बात करते हैं 12 जनवरी के बारे में, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती के नाम से मनाई जाती है, विश्व युवा दिवस। ठीक है, 12 जनवरी। ठीक है, 11 जनवरी क्या है तो 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो विवेकानंद जी की जयंती के नाम से मनाई जाती है, युवा दिवस। ठीक है, फिर बात करते हैं 15 जनवरी के बारे में, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 18 जनवरी, तो 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो पोलियो दिवस जो है वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 18 जनवरी को। ठीक है, 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 19 जनवरी की बात करें तो 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, 19 जनवरी को अपने जो महाराणा प्रताप है मेवाड़ के राजाधिराज, तो उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 19 जनवरी को। फिर बात करते हैं 21 जनवरी के बारे में, तो 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है, हेमू कालानी की पुण्यतिथि के हिसाब से। ठीक है, सिंधी समाज में जो हेमू कालानी पुण्यतिथि है उसके हिसाब से भी 21 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, हेमू कालानी की। ठीक है, 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस और सिंधी समाज का हेमू कालानी पुण्यतिथि। ठीक है, और 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के हिसाब से, और 18 जनवरी हो जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे पोलियो दिवस कहते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। फिर बात करते हैं 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी को 3 दिवस बड़े बड़े मनाए जाते हैं, पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कस्टम एवं उत्पाद दिवस, तीसरा नाम आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, तो ये जो भी हैं ये मनाए जाते हैं 26 जनवरी को। फिर बात करते हैं 27 जनवरी के बारे में, तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। 28 जनवरी की बात करें तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जन्म दिवस और डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, डेटा संरक्षण दिवस और लाला लाजपत राय जन्म दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 27 जनवरी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस, 26 जनवरी को हो जाएगा गणतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम एवं उत्पाद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, नेक्स्ट 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हमने बात की जनवरी माह के संपूर्ण जो भी दिवस मनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमने बात की जनवरी दिवस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फरवरी दिवस के बारे में। ठीक है, फरवरी माह के जो भी दिवस होंगे उनकी बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।